27 जून से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सभी संगठन अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रयास करने लगे हैं। पावर काउंसिल ऑफ राजस्थान ने सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पत्र के माध्यम से अपनी मांगों से अवगत करवाया है। पावर काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए वकील प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात कही थी। सरकार बनने के बाद कैबिनेट ने इसे 100 दिवस की कार्य योजना में शामिल किया था। सुशील शर्मा ने सरकार से अपील की है कि विधानसभा के इसी सत्र में बिल लाए जाए। साथ ही अजमेर में भवन हेतु स्थान का आवंटन, न्यायालयों में केंद्रीय लाइब्रेरी हेतु वित्तीय सहायता भी दी जाने की मांग की है। हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भेजा है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने जो प्रस्ताव पारित किए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में, उनको इसी विधानसभा सत्र में पास किया जाए और साथ ही अधिवक्ताओं का जो प्रोटेक्शन बिल है जो बार काउंसिल ने बना के सरकार को भेजा है उसको भी इसी में सत्र में पास किया जाए। साथ में जो पत्रकारों और डॉक्टरों के साथ भी अनजस्टिस हो रहा है, आए दिन मारपीट होती है, आए दिन धमकाया जा रहा है, तो हमारी मांग है कि सरकार जो है पत्रकारों के लिए और डॉक्टरों के लिए भी